लेकिन जो सरकार होती थी केंद्र में, वो निष्पक्ष जांच कराने का उनका तरीका था। इसके वजह से इस संस्था का बनाया गया हिंदुस्तान में, ईडी और सीबीआई। लेकिन इसी संस्था को अब केंद्र की सरकार अपने हाथों की कठपुतली बना करके, और जो विपक्ष के सरकार जो भी स्टेट में है उसको परेशान करने का एक तरीका, बेहतरीन तरीका निकाला है। और सीबीआई जो रोल आपने कहा, जो रोल कर रही, ये रोल करने रहे, इनसे करवाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली बन के रह गई है। ईडी और सीबीआई लगाकर टीएमसी को बदनाम किया जा रहा है, ये कहना है तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मुर्शीद अहमद और 64 नंबर ब्लॉक के तृणमूल स्पोर्ट्स सेल के प्रेसिडेंट जमीर अहमद मिंकू का। आइए सुनते हैं। लेकिन जो सरकार होती थी केंद्र में, वो निष्पक्ष जांच कराने का उनका तरीका था। इसके वजह से इस संस्था का बनाया गया हिंदुस्तान में, ईडी और सीबीआई। लेकिन इसी संस्था को अब केंद्र की सरकार अपने हाथों की कठपुतली बना करके, और जो विपक्ष के सरकार जो भी स्टेट में है उसको परेशान करने का एक तरीका, बेहतरीन तरीका निकाला है। और जनता का अब ईबी और ईडी और सीबीआई के ऊपर जो भरोसा था, लगभग मेरे हिसाब से खत्म होते जा रहा है। और इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस संस्था को बचाने के लिए, अब निष्पक्ष जांच कराने के लिए केंद्र की सरकार से अलग किया जाए। वजह टीएमसी नहीं ध्यान देने का बहुत अच्छा कारण है। वजह यह है कि टीएमसी को मालूम है कि हम, मेरा जो लॉ एंड ऑर्डर है उस सबसे बेहतर है। आप बीजेपी के जितने भी स्टेट में गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट में भी है, और जहाँ भी है एमपी में है, आप देखिएगा दिन ब दिन कुछ ना कुछ घटना घटता है जो कि आम पब्लिक के बीच है। कहीं हमारी बहने के रेप होती है, कहीं डकैती होता है, कहीं मनमाना होता है, कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा, कहीं क्रिश्चियन को परेशान किया जा रहा, कहीं बौद्धिस्ट को परेशान। तो वो अपने तरह के स्टेट बनाना चाहती है बंगाल में। उसका मकसद ये नहीं है कि यहाँ परेशान करना, मकसद ये है कि बंगाल में जो सुकून और शांति ममता बनर्जी ने, साहिबा ने जो हम लोग को दिया है, इस शांति को भंग करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। देखिए पार्थो चटर्जी साहब का जो मैटर है वो अभी कोर्ट में है, उस पर टिप्पणी करना हमारे बस की बात नहीं है। किसी कोर्ट पर टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोर्ट में साबित हुआ दोषी है तो उनको सज़ा मिलेगी, और अन्य कोर्ट उन्हें क्लीन चिट देगी, तो फिर कोई बात नहीं है। रहा सवाल कि बीजेपी जो बार बार कहती है भ्रष्ट है, तो हम बताते हैं कि व्यापम घोटाला क्या था, जिसमें लगभग 57 आदमी का डेट हो गया था। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला था, बीजेपी के शासनकाल में हुआ था। आज तक उस चीज का पता नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या था। इस तरह से दर्जनों हैं जो बीजेपी शासन में हो रहे हैं, काफन घोटाला, ताबूत घोटाला। घोटालों का अगर किसी सरकार है तो हम समझते हैं बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार है, बशर्ते यही है कि कुछ गोदी मीडिया उस घोटाले को छिपा करके, और बीजेपी को कहते हैं कि यह स्वच्छ है, बहुत अच्छा। हम कहते हैं कि जितने भी पार्टी से आदर्श जाते हैं, जैसे अभी हम बताते हैं ये असम के मुख्यमंत्री, इससे पहले वो घोटाला में फंसे हुए थे, बीजेपी में गए, वॉशिंग मशीन में साफ होकर के निकले, वहाँ से चीफ मिनिस्टर बन गए। उसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो इस तरह अगर देखेंगे तो घोटालों में 99% बीजेपी की सरकार में है, और बीजेपी के टॉप लीडर के जितने भी हैं सभी घोटाले में फंसे हैं। आने दीजिए, वक्त आए 2024 के बाद पता चलेगा कौन कितना घोटाले में फंसा हुआ है। देखिए केंद्रीय लेवल पर एक स्टेट का बोलिएगा तो मुश्किल है, लेकिन जो विपक्ष का एक संगठन बनेगा, विपक्ष का जो एक मतलब बहुत बड़ा संगठन बनने वाला है, जिसमें सभी लोग रहेंगे, शरद पवार हैं और नीतीश कुमार हैं, जितने भी विपक्ष के एकजुट हो करके, जिसमें ममता बनर्जी साहिबा के लीडरशिप में, अगर केंद्र के सरकार को 2024 में इलेक्शन बंगाल से होता है और पूरे हिंदुस्तान में जब होगा और विपक्ष एकजुट रहेगा, तो मोदी क्या, बीजेपी की कहीं नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हम जानते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने वर्कर, अगर ठीक है बीजेपी जीत रही है, हम एक बात बताते हैं कि पिछले जितना भी स्टेट में देखिएगा, 5-6 इलेक्शन हुए, लगभग 5-6 में बोलेंगे 4 में हार हुआ। एमपी में हार हुई, वहां तोड़ जोड़ करके आप एमएलए खरीद करके आपने फिर सरकार बनाया। गोवा में आपका भी वही हाल था,
गोवा में भी तोड़ जोड़ कर सरकार बनाया, गुजरात में आपको कांग्रेस ने नाक में दम कर रखा। गोया की देखिएगा जितने भी जगह हैं, आप छत्तीसगढ़ हार गए, आप झारखंड हार गए, आज बिहार में आपकी सरकार खत्म हो चुकी है। तो हकीकत में जनता बीजेपी की पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे जो एमएलए होते हैं जो थोड़ा करप्ट होते हैं उनको खरीद फरोख्त करने पर मजबूर किया जाता है कि अगर तुम मेरे साथ आओ नहीं तो जेल जाओ, ये उनका हथियार है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को गिराने का क्या वजह है, यही था कि सिंधुगढ़ के जितने भी एमएलए थे वो पिछले 5 साल खा पी के पूरा मस्त हो चुके थे, और बीजेपी उनको मालूम था कि ये खा पी का है, अगर तुम सरकार नहीं गिरा तो तुमको अंदर कर देंगे। यही मजबूरी थी कि सिंधे गुट हट करके बीजेपी का सपोर्ट किया और वहां सरकार बनी। तो जनता की पहली पसंद बीजेपी नहीं है, हर जगह हार हो रही है, लेकिन पैसे के दम पर और कुछ अपना जो दो तोता है सीबीआई और ईडीआई उनके दम पर वह अभी सरकार चला रहे हैं। लेकिन हम मालूम है, हिंदुस्तान के आवाम को मालूम है कि 2024 के आगे बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं रहेगी, इसके लिए बेफिक्र रही है। आने वाला जो समय होगा, अभी तो 2 साल है लगभग, आने वाला वक्त होगा राजनीतिक में हर सेकंड पहलू करवट बदला जाता है, आने वाला वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। और अभी इतना जल्दी किसी को कौन किसके सपोर्ट में जाएगा, कौन किसके सपोर्ट में आना कहना बेवकूफ़ी होगा। लेकिन हम जानते हैं और हिंदुस्तान की जो मांग है कि अगर कोई बीजेपी को ताकत के बल पर, अपने राजनीति बल पर, अपने निडरता के साथ अगर किसी ने लड़ाई लड़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, इसके सिवा किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने नहीं लड़ा है। नहीं, ये कहना गलत होगा कि टीएमसी और बीजेपी एक फॉर्म में काम, ये कहना सरासर गलत होगा। और बीजेपी का जो सोचना है कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, हमको तो आने वाले 2-4-5-10 साल में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी का जो हरकत है, आज तक एक बात बताइए कि जितने भी वादे किए केंद्र की सरकार, चाहे स्मार्ट सिटी का हो या जो भी, आज बहुत अच्छा बात याद है, कोई भी सरकारी संस्था क्या बची हुई है हिंदुस्तान में जो पिछले 70 सालों में जो केंद्र की सरकार ने बनाया था, चाहे कोई भी हो, भेल हो, सेल हो, रेलवे हो, प्लेटफॉर्म हो, ये तो सब का सब बिक्री हो रहे हैं। अब आप बताइए कि आने वाला वक्त में अगर बीजेपी की सरकार रही या पूरे सरकारी संस्थान की बिक्री हो जाने के बाद हिंदुस्तान का नौजवान क्या करेगा? 4 साल का वो अग्निवीर बनेगा, और 4 साल का अग्निवीर बनने के बाद जब 4 साल में आप रिटायर हो जाइएगा तो उसके बाद क्या करिएगा? खेत में जाके कुदाल मारिएगा? तो ये सोच जो है ये समझना होगा, आरएसएस की सोच है, मनुस्मृति की सोच है, ये सिर्फ ब्राह्मणवादी पार्टी है। आप उठा के देख लीजिए, हम गारंटी के साथ बोलेंगे कि जितने भी इनके कैबिनेट में मिनिस्टर है सभी ब्राह्मण हैं, और जितने भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर है सभी ब्राह्मण हैं। और ये मनुस्मृति लादना चाहते हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, और अगर ऐसा हुआ तो जितने भी बैकवर्ड हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, जित क्रिश्चियन है, यहूदी है, सिख है, ईसाई है, सब के सब जो है बेकार हो जाएंगे। और आने वाला वक्त अगर यही रहा तो हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथ में नौकरियां नहीं होंगी, वो इतने बेरोजगार हो जाएंगे कि कहना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। और सीबीआई जो रोल आपने कहा, जो रोल कर रही है, ये रोल करने रहे, इनसे करवाया जा रहा है। ये बीजेपी की सरकार जो है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये करवा रहे हैं, अमित शाह जी करवा रहे हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं कि 2024 में उन लोग को जो है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन के वक्त और वोट के दिन, जस्ट वोट के दिन ईवीएम मशीन जो है वो उस पर कब्जा करना ना पड़े। इसी कारण ये लोग जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से। ये साजिश है, क्रप्स एक भी दिखा दीजिए, आप क्रप्स दिखाइए। पार्थो चटर्जी का बात बोलते हैं तो पार्थो चटर्जी जो सर जो हैं, क्या उनका ऊपर ये तोहमत लगा है? कोर्ट ने उनको मतलब क्या मुजरिम ठहराया है? नहीं। सीबीआई जब उनके घर पे, ईडी जब रेड मारने के लिए गई, तो क्या प्रूफ था कि ईडीआई वो मतलब वो नोट लेके, वो ईडीआई का नोट नहीं है? ईडीआई के पास कोई प्रूफ है? नहीं है। फंसी नहीं चली जा रही, फंसाया जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, और ये आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है, कि जो इंसान आगे बढ़ता हो
ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होते हैं टांग खींचने वाले। तो यही आपकी बीजेपी की सरकार है, जो टीएमसी सरकार की टांग खींच रही है। वैसे कुछ होने वाला नहीं, 2024 इंशाअल्लाह ताला कामयाबी टीएमसी को ही होगा, तृणमूल कांग्रेस ही कामयाबी है। ऐसा कामयाबी है कि इन गद्दारों को, देश के गद्दारों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उसके डबल इंशाअल्लाह ताला रहमान। हम लोग मतलब ऐसे मतलब इसमें लगे हुए हैं कि उससे डबल देंगे। हम लोग क्या जनता देगी, जनता खुद देगी, जनता सब जानती है कौन चोर है, कौन साधु है और कौन संत, जनता जानती है भाई। बीजेपी तो चाहती है कि जो हिंदुस्तान है ये हिंदू का राज हो जाए, लेकिन इनको पता नहीं है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे मुसलमान का मकदान है। आप इंडिया गेट पे जाके देख लीजिए, ठीक है, 70% मुस्लिम का नाम होगा। ये बीजेपी भूल ली, ये आरएसएस सरकार जो है भूल ली कि हिंदुस्तान मुसलमान का भी है और हर कौम का है। ये जो साजिश है इनका, मस्जिद को मौलवी को पंडित से लड़ाना और पंडित को जो है मतलब वो फादर से लड़ाना, ये सब इनका चाल। गरीबों को भूखा मारना, आप गरीब को कुछ मदद करने जाइए, लाइए आपका वो दो जमाई को भेजा देते हैं। भाई इनका पास आया कहाँ से इतना, दो जमाई बोले तो वो ईडी और सीबीआई। देखिए मस्जिद को मतलब क्या बोले हम, अब तो 92 से आप देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मस्जिदों को मतलब तोड़ा जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा। यतीमों को जो मतलब टेररिस्ट और आतंकवादी जो, ये तो बनाया जा रहा खास करके मुस्लिम बच्चों को, क्यों कि मुसलमान को बदनाम करें और खास करके खास तौर पे बंगाल के मुसलमानों को बदनाम करें ताकि दीदी को बदनाम कर सकें। तो ये बंगाल की जनता जानती है, बंगाल के मुसलमान जानते हैं और बंगाल के हर कौम जानते हैं कि दीदी क्या है, दीदी क्या कर सकती हैं और दीदी क्या दे सकती हैं और आप नरेंद्र मोदी जी क्या छीन सकते हैं।